इस ओवीए की स्टार्टिंग पर हमें दिखाया जाता है हमारे युमा को, जो कि साकामा की मेंशन के बाहर खड़ा हुआ होता है। साकामा की मेंशन के बाहर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो युमा है वो कह रहा होता है कि मेरा खाना कहाँ पर है, और वो ये चीज कह रहा होता है हमारे शू से, जो कि हमारा शू कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सोचता भी नहीं हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे युमा पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ पर है, यानी कि यूई, जिस पे जो हमारा शू है वो उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता। तो युमा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला देता है, जिस पे हमारा शू जो है वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ से मेरे कान दर्द कर रहे हैं, प्लीज़ धीरे बोलो। जिसके बाद अब हम देखते हैं ये सब सीन को, जो हमारा रिजी है वो खिड़की से देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हम यहाँ पर अजूजा को देखते हैं, जो कि बाथरूम में अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है हमारा कनातो आता है, वो पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर हमारा अजूजा कहता है कि मैं जस्टिन से बहुत ही ज़रूरी बातें कर रहा हूँ। हमारा कनातो फिर से पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो। जब भी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लेइतो आ जाता है, जो कि पूछता है कि क्या तुम भी बिच, मतलब यानी कि यूई के बारे में कुछ जानना चाहते हो। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर लेइतो और कनातो दोनों ही एक्चुअली में यूई के बारे में जानने आए होते हैं, किंतु अजूजा उन्हें कुछ भी नहीं बताता, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, अब हम यहाँ पर कोको देख रहे होते हैं, जो कि हमारे जो सुबारू है उसे भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वो सुबारू को तंग करने की कोशिश कर रहा होता है। हमारे यहाँ पर जो को है वो सुबारू से पूछता है कि मैं तो यहाँ पर आया था यूई से मिलना, किंतु वो तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही, क्या तुम उसके साथ खेल रहे हो, मतलब उसे छेड़े हो। तभी वहाँ पर लेइतो टपक पड़ता है, जो कि कहता है मुझे तो लग रहा है कि सभी यहाँ पर हमारी यूई को खोज रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रही बोल के सब जो है चिड़चिड़े हो गए हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो लेइतो है वो बहुत ही मस्त निशाना मारता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोताना मार देता है इन लोगों को, जिसके बाद उनके बीच में गर्मा गर्मी का माहौल वापस से बढ़ जाता है और हम कोको एक नया ही रूप यहाँ पर देख पाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, अब हम यहाँ पर देखते हैं एक बंदे को जो कि बुक लेकर जा रहा होता है कहीं पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में जा रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं यूई को, जो कि उठी हुई होती है, मतलब वो इतनी देर से सोई हुई थी, वो एक ही रास्ते पर चल पड़ती है। और हम देखते हैं वो जो इंसान जिसको हम कुछ देर पहले देखे थे वो और कोई नहीं बल्कि रुकी था, जिसको कि यूई देखती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो रुकी होता है वो हमारी यूई से पूछता है कि मुझे लग रहा है कि ईवी का ब्लड मुझे अब टेस्ट करना पड़ेगा, ये कन्फर्म करने के लिए कि तुम एक ईवी हो कि नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो रुकी होते हैं वो हमारी यूई को यहाँ पर बाइट कर लेते हैं और उसका खून को शक करने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमारा जो है अयाटो आके यूई को बचा लेता है। पर आपको क्या लगता है अयाटो यूई को बचाता है? चलो देखते हैं। हमें देखते हैं हम यहाँ पर रुकी जो है वो अयाटो को काफ़ी अलग सी जो है स्माइल पास करते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे प्रे को मुझसे छीन रहे हो, ऐसी चीज़ों को मैं देखानंदाज नहीं कर सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रुकी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लुक दे रहे होते हैं हमारे याटो का, याटो हमारी यूई को लेके वहाँ से भाग गया होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा याटो है वो यूई को लेके आता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी ही हो, तुम और किसी के नहीं। पर हम यहाँ पर सारे मुकामी ब्रदर्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठा हुआ होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे अयातो को, जो कि हमारी यूई के काफ़ी क्लोज आया हुआ होता है, और हम देखते हैं कि वो यूई को वापस से वही कह रहा होता है कि तुम मेरी हो, तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई और मेरे अलावा टच नहीं कर सकता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा अयातो है वो बोलता है कि अब तुम मेरे फैंग्स को अपने स्किन में जाते हुए फील करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अयातो जो है वो यूई को बाइट कर लेता है। और यार इसी मोमेंट पर ये एपिसोड, या मतलब सॉरी एपिसोड तो नहीं, ये ओवीए खत्म हो जाता है। बाय द वे, मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ जो कि पूरी ही डायबॉलिक लवर की तरह है, तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला। और याद रखना कि डायबॉलिक लवर से ज़्यादा मेरी वो सीरीज़ फेवरेट है। तो मुझे लगता है अगर मेरे को वो सीरीज़ ज़्यादा पसंद आती है तो तुम्हें भी शायद वो सीरीज़ ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मस्त सीरीज़ है। मैं तुम्हें उसे एक्सप्लेनेशन जल्दी ही जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा सारे एपिसोड्स, और तुम तब तक मेरे चैनल पर बने रहो। और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि तुम्हारा डायबॉलिक लवर में फेवरेट कपल कौन सा है, इमेजिनरी कपल लाइक मेरा तो यूई एंड सुबारू ऑफ कोर्स। तो थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।